Assalamualaikum guys, welcome back with today's vlog. Okay. उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट फाट है खैर खैरियत से। अच्छा नाज़रीन, कल भी मैं फैमिली के साथ गया हुआ था आउटिंग करने के लिए ट्यूबवेल पे। उससे पहले एक दिन पहले हम दोस्त वगैरह गए हुए थे, तो यार दो तीन दिन से ऐसे प्लान बना तो बड़ी थकावट हो गई थी। तो अभी मैं उठा हूँ तकरीबन सुबह को 11:30 बजे, तो वो आपको बताया ना सिस्टर्स की ड्यूटी होती है, तो मैं उनको छोड़ने के लिए जल्दी आया हुआ था। और बस अब तो मेरे ख्याल से अब वो फ्री भी हो गए होंगे, तेरे मैंने एक घंटा हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, और बस अब उनको लेता हूँ अब घर जाता हूँ। आज के रूटीन में बहुत सारे काम हैं पड़े, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है, और ईद उल अज़हा से पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन में ये था कि आज हमने ग्रोसरी खरीदनी है, बहुत सारी खरीदनी है। घर से नाश्ता करके आया था, उनको लेने के लिए जा रहा था ना, तो मैंने कहा यार रास्ते में हमारे यहाँ पे उस दिन आप देखो कि मैं यहाँ से बिरयानी ले रहा था, तो आज मैंने उससे पूछा बिरयानी है, उसने कहा नहीं सर बिरयानी नहीं है, मैं बस शेक पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो शेक बना दो। तो अब यहाँ से हम शेक मंडेंगे, शेक पियेंगे। नाइस। आधा घंटा हो गया यार भाई जान, बना दो मेरे प्यारे भाई, बना दो। असल में यार जब यूनिवर्सिटी होती है ना, तो हम तकरीबन ना इस कैंटीन पे रोज आते हैं, क्योंकि बाकी कैंटीन के निस्बत ना यहाँ पे जो बिरयानी और दूसरा जो खाने की चीजें होती है ज्यादा अच्छी मिलती हैं। तो जब मैं आज आया हूँ ना, तो मुझे कह रहा था, कहता है सर आप बड़े दिनों बाद आए हैं। मैंने कहा यार अच्छा हाँ, अच्छा जब मैं कल आया इसने मुझे कल भी कहा सर आप बड़े दिनों बाद आए हैं, जब मैं परसों आया कहा सर बड़े दिनों, मैंने कहा वो भाई मैंने रोज आना है, कहता ओह सर थैंक यू सो मच। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। नाज़रीन मिल्कशेक आ चुका है। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, मुल्तान में इतनी शदीद गर्मी है ना, तकरीबन दो दिन हो गए हैं। अच्छा सीन ये है कि ना तकरीबन धूप बहुत कम है, लेकिन यार हवा बिल्कुल नहीं चल रही और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो यार ठंडा ठंडा मिल्कशेक पी के ना सवादू, बहुत शदीद सवादू सवादू आ गया है। बस यार अब उनको मैं लेता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर ना अगला काम करते हैं। कुछ खा लेते हैं, निकले तो वैसे हूँ मैं, और बस मैं आ गया हूँ, जाने लगा हूँ अंदर, लॉकडाउन लग गया और हम आए हुए हैं बेकरी में। ये चीज ये 170 सेम ही है, 170 मैं तो ये ले रहा हूँ, तुम लोगों ने जो ले रहे यस आई है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। खबर रात ये ले, मैंने तो खाया ही, आप भी खा लेंगे ले, मुखल शाबाश। तो जी नाजरीन, उस टाइम ना घर आके मैं कुछ देर सो गया था, सो के अभी थोड़ी देर पहले उठाऊँ, टाइम हो रहा है 9:09, और मैं जा रहा हूँ कुरैशी के पास, जानवर के पास जा रहा हूँ, मतलब कुरैशी को जानवर नहीं कह रहा मैं, मतलब कुरैशी के साथ मैंने कहा जानवर के पास जाना है ना, तो मैंने कॉल किया मुजम्मिल को और वो अभी आ रहा है। अच्छा उससे कॉल कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, हाँ किधर है, चलो आ जा, ओके अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन मुजम्मिल को मैंने बुला लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ कुरैशी के पास, मतलब कुरैशी के साथ हमें जाना है फार्म पे अपने जानवर से मिलने के लिए। स्टे ट्यून्ड। बाइक चला रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, आप मुल्तान का नज़ारा चेक कर रहे हैं। यार वैसे ना कल और परसों की नस्बत ना आज गर्मी थोड़ी कम है, वरना रात के टाइम भी इतना शदीद सेक होता है कि आपसे बाहर निकल जाता, और से आए तो टाइम भी ज़्यादा हो गया था, वरना मैं तकरीबन रोज ना मगरिब के बाद जा रहा होता हूँ, और इशा के टाइम ना मैं वहीं पर होता हूँ, तो बस अब जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि उस बंदे के भी ना सोने का टाइम हो गया, और ब्रिजी साहब के लिए भी बहुत से बहुत है।
अच्छा मैं फोन ग्रीप करके इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि यार आप लोगों को आवाज आ जाए, वरना ना वीडियो में नॉइज बहुत ज्यादा होता है। मुझे खबरदीन रात कुरेश साहब ने हमें देख के अपने घर के दरवाजे मार दिए, दरवाजे बंद कर दिए। ये आए कुरेश साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? खैर खरीत है। मनाने नहीं खड़े होकर जी, मैं नहाने लग गया था, नहाने में इतनी देर लग गई। पानी तो पिला दो। नहीं पिला भाई, पानी पिला दे। पानी नहीं पिला बेटा, तू बोतल गया, तू कुछ और भी मांगता वो भी नहीं पिलाता मैं। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। नाजरी हालात खराब होने लगे हैं, अब हम आपसे ना फॉर्म पे मिलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। कुरेश साहब गए हुए अंदर, ये खड़े हुए हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। कल रात को कहीं मंडी वगैरह रुलता रह गया, तो उसकी तबीयत ना बड़ी ख़राब हो गई है, और मैं बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ उसका। ये खड़ा पदम में दिनों रात, ये है हमारा कुर्बानी वाला जानवर शेरू। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था हमने इसका नाम शेरू रखा था। ये यहाँ पे है बड़ा, लेकिन बच्चों की ना पुरजोर फरमाइश है कि हम इसको ना घर ले आए फ्राइडे को। तो असल में आया है बैकवर्ड इलाके से, तो ये वहाँ पे पला बड़ा भी अकेले ही है, तो ये डरता है वहाँ पे, यहाँ पे डरता है। मतलब शहर में आया, यहाँ पे शोर वगैरह है, वहाँ तो कोई शोर वगैरह भी नहीं था, तो ये डरता है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यार कब, तो संडे को ईद है और ये कह रहे हैं फ्राइडे को ले आओ, लेकिन मेरा इरादा है कि हम सैटरडे, बल्कि मेरा इरादा है हम इतवार को सुबह लेकर आए, लेकिन अब ये कुरेशी साहब कह रहे हैं अगर सैटरडे को लेके जाओ। अभी हमारे ना इसी बाब में गुफ्तगू शनीद हो रही है, तो देखते हैं अभी क्या इसका सिस्टम करते हैं। बस अब बोल रहे यहाँ से यार होने के बाद अब इंशाल्लाह ताला ना घर की तरफ जाना है, कुरेशी साहब ने मंडी जाना है, हम भी मंडी जाते हैं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, और यहाँ से अब हमने सीधा डायरेक्ट इंशाल्लाह ताला ना घर जाना है। तो मुझे खबरदीन रात खाना छाना मंड लिया हमने, और अंडे शंडे भी मैंने ले लिए हैं। मतलब रोज़ आपने मेरे नाश्ते में देखा होगा, हमारे यही होते स्लाइसेस होते हैं और अंडा होता है और चाय होती है, बस वो नाश्ते का सामान भी ले लिया है। और गाइस मैं जा रहा हूँ घर, तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरा हर आने वाला ब्लॉग मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।